खालिद गुजर साहब को स्टेज पे खुश आमदीद कहते हैं। भाईजान इस कंटेनर को आपने आगे लेके जाना, यहाँ पे भी खड़ा करना। हाँ जी प्राय मेहरबानी आगे ले जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सलमान खान गुफ्तार चैनल पर आपको लॉन्ग मार्च के लाइव मनाजिर दिखा रहे हैं। नाज़रीन ये देखिए, इस वक्त यहाँ पर तकरीबन 1 बजे का टाइम है, लेकिन लोग जो हैं तकरीबन हज़ारों की तादाद में पहुँच चुके हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कंटेनर जो है, एक कंटेनर नहीं है बल्कि एक इमरान खान के कंटेनर के लिए हमके की आज़ादी का जहाज। और दूसरे जो हैं आप देख रहे हैं कि 2-3 कंटेनर्स खड़े यहाँ पर जो है साथ साथ चलेंगे। इस वक्त तकरीबन 1 बजे का टाइम है और यहाँ पर तकरीबन हजारों की तादाद में लोग मौजूद हैं। हर तरफ लोग ही लोग हैं। आप ये आप यहाँ देख रहे हैं नाज़रीन, कुछ लोग हैं इमरान खान की तस्वीर उठाई हुई है उन्होंने, ठीक है। और लोग यहाँ पर बड़े जज्बे और जुनून के साथ आए हुए, ठीक है। और यहाँ पर वो नारे नहीं आ रहे हैं। ये देखे, ये इमरान खान की तस्वीर लेकर एक शख्स खड़े हैं, ठीक है ना। तो ये बड़े जोश के साथ, और ये एक बच्चा भी है उनके साथ जो सच्ची की आज़ादी में शामिल हैं। और लोग बहुत पुरअज़म हैं। और अभी तकरीबन 1 बजे का टाइम है, आगे नमाज का टाइम भी आने वाला है, और उसके अलावा भी यहाँ पर लोग जो है, ठीक है ना। ये देखिए नाज़रीन, एक टाइटल है भाई, जरा इधर देखिएगा अली। यस जी सर, ये वो सवाल हैं जो हमारी आवाम पूछना चाहती है कि वो कौन था, कौन था वो। सर ये सवाल का जवाब हम लोग मांग रहे हैं बड़े अरसे से, पाकिस्तान को जी पकड़ेंगे। 75 साल हो गए आजाद हुए जी जी। इमरान खान ने सिर्फ 3 साल गवर्नमेंट की है, जितने लोग साफ मांग रहे हैं इमरान खान ने 3 साल में गवर्नमेंट। अच्छा बहुत सारी चीजें, ये जो अभी हाल ही में बॉर्डर साहब की एक आई है जिसमें तकरीबन लोगों को डराया, लेकिन मुझे यहाँ पे लोग निकले और जिस जज्बे के साथ सामने पास आखिर तक इमरान खान का साथ देंगे हमें। डंडी पड़ा सब इमरान खान के साथ है, लोगों का जज्बा है कि भाई ये हंस रहे हैं, ठीक है ना। भाईजान कहाँ से आए आप? आज आए हैं पत्तों की से आए हो, ठीक है जी। पत्तों की से आए हैं जी गुफ्तार चैनल पर। जनाब आप कहाँ से? लाहौर की। लाहौर की? लाहौर ही जरा यार देर से उठते हैं, लेकिन जब उठते हैं ना तो क्या कमाल उठते हैं। हिस्ट्री भी काफी लोगों ने बनाई हुई है, अगर आप हिस्ट्री भी लोगों ने बनाई, लाहौरियों ने बनाई हुई है। सर आप कुछ कहेंगे ननकाना साहब से? डिस्ट्रिक्ट ननकाना जी जी सर, क्या कहेंगे आप इमरान खान की चीज पर? हम इमरान खान के साथ हैं, इमरान खान के साथ ही रहेंगे। हम इसमें ननकाना साहब से ब्रिगेडियर याद आप शाह की क्यादत में क्या आवाज है, बहुत बड़ा काफिला हमारा यहाँ पहुंचा है। लगता है कि इस दफा जो कौम उठी है, जागी है, इंशाल्लाह कुछ लेकर जाएंगे। इंशाल्लाह हम अपना मकसद जो हमारे खास आजादी का, इंशाल्लाह अपना
नॉमिनेशन जारी रखेंगे और खान साहब के साथ और अच्छा यार मैं सोच रहा था आप भी इतने साथ काट दे ठीक है सब साथ छोड़ दे बिल्कुल ऐसा ही आप में से तो नहीं फैसला बढ़ा नहीं 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 कोई नहीं 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 ऐसी कोई बात नहीं है मैंने एक ट्वीट पढ़ी कि जो कभी वो बावड़ा था वो बाटा हो गया तो क्यों हुआ बाटा ये कुछ अंदर के मामला होते हैं ये चीज तो आप लोग बेहतर जानते हैं ठीक है ये नहीं ये देखें कि काफ लीग के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं तो ये कह रहे थे कि जी देखते हैं कि जी चौधरी साहब साथ देते हैं कि नहीं लेकिन चौधरियों की एक तारीख रही है कि जब उनके साथ खड़े हो जाते हैं मैं खुद खारिया में रहा हूँ छह साल मैंने वहां पे गुजारे तो फिर वो साथ बेस्ट ऑप्शन नागरिन ये देखिए जी कह रहे कि मैं पहले नून लीग से था लेकिन जिस तरह ये महंगाई हुई है तो हम समझते हैं कि यही बेस्ट ऑप्शन है तो एक लॉन्ग मार्च लेकर नून वाले भी आए थे वो मुन्ना भाई थे और बड़ी बाजी के साथ फिर वो एक छोटा बिलावल आया था बोलना सीख रहे थे तो उनको तो इमरान खान ने हमारी हुकूमत से आपकी हुकूमत से नहीं रोका था अब क्यों रोका तो डर लगा चौधरियों का भी चौधरी तो हर जगह पे चौधरी है और माशाल्लाह चौधरी जब तक है चौधरी ही रहेंगे आप हैरान होंगे कि काफ लीग नून लीग और मीडिया सब यहाँ पर मौजूद है पार्टी नहीं 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 एक आजादी के लिए गुलामी और बेसिकली जो रूलिंग का बड्डा है ना वो एक ही बल्ला चल रहा है उनका पास अमरीका के पीछे लगे रहो ठीक है उनके ये जो बंद कमरों के अंदर मुलाकातें होती है क्या ख्याल है वजीर आजम हम ही बनाते हैं तो हमारा वजीर आजम हमारे मिसाइल को लेकर चले क्यों ये बंद कमरों की मुलाकातें कब तक होती रहेगी खत्म होनी चाहिए इमरान खान साहब का आजाद होना चाहिए ये बंद कमरों वाला सिस्टम बंद होना चाहिए और इंशाल्लाह इमरान खान साहब तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक वो हमारे मुल्क में इतनी आजादी नहीं करवा लेंगे और इंशाल्लाह हम और पूरी कौम इस वक्त पूरा पाकिस्तान इमरान खान साहब के साथ है ये बुजुर्ग हैं एक जी आप कुछ कहेंगे कहाँ से आए आप पंजाबी आज सारा पाकिस्तान एक कोई है पंजाबी करो इधर भाई आप पठान हो ना ब्रिगेडियर के साथ लेकिन लोगों में इतना जज्बा है कि वो कहते हैं कि हमें आजादी चाहिए आजादी चाहिए आजादी असल में बात ये है कि ये सारे इकट्ठे ये हर गुलाम भी है जो गुलामी उसके गुलाम है ब्रिगेडियर के गुलाम है गुलाम बना के रखना चाहते हैं तो खाए जाओ हम आपको वाले देख रहे हैं कि अगर आप इन लोगों को देखें तो इन्होंने इस उम्र में आजादी मेरे ख्याल से तरीके से बच्चों के लिए नौजवानों के लिए और उनके लिए तो अपनी उम्र गुजार चुके हैं लेकिन आने वाली जो हमारी नस्ल है साथी को जबरदस्त वो क्या बात ये देखिए यहाँ के लोगों के जज्बे में एक चीज नजर ये लोग आज भी फौज के साथ है वो कहते हैं कि हमारी अच्छी फौज है और इतनी अच्छी फौज है कि वी आर एट नंबर टू इन द वर्ल्ड छठी बड़ी फौज है हमारी तो हम फिर गुलाम क्यों हमें गुलाम नहीं होना चाहिए और ये बात हकीकत है कि हम एंटी पावर है और हमारी फौज सबसे अच्छी है आईएसआई सबसे अच्छी है गुलाम चंद लोग अगर उनको निकाल दिया जाए तो हम गुलाम नहीं